नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप कुमार और आज हम याद करने जा रहे हैं एक और होम्योपैथिक मेडिसिन दैट इज थूजा। इन मेडिसिन को हम कहानियों के द्वारा इसलिए याद करते हैं ताकि कहानी याद आने पर आपको पूरी मेडिसिन के सिम्टम्स जो हैं वो याद आ जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थूजा के लिए हमें याद रखना है कि एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। कैसा? सूजा हुआ बच्चा पैदा हुआ। सूजा मतलब मोटा सलसला पेट निकला हुआ। डॉक्टर बोले, अरे ये कैसा बच्चा पैदा हुआ है? तो घर वाले बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में गणेश जी आए। एक द पेशेंट लुक लाइक गणेश जी। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वैक्सीन का समय आ जाता है, तो वैक्सीन उसको लगाई जाती है कहाँ पर? लेफ्ट आर्म पर। ठीक है, लेफ्ट आर्म पर वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन वैक्सीन लगाने के अगले ही दिन बच्चे की तबीयत जो होती है वो हो जाती है ख़राब। क्या होता है? उसको डायरिया लगना शुरू हो जाता है, डायरिया लग जाते हैं। अब हर एक सुबह उसको डायरिया लग रहे हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम पे उसको डायरिया आ जाता है। ठीक, ब्रेकफास्ट डायरिया, और डायरिया के दौरान जो स्टूल है वो कैसा निकलता है? बंग होल का मतलब होता है कि कोई भी बैरल है उसमें जो एक होल है जहाँ से पूरा का पूरा जो पानी है वो बाहर निकलता है, वो जो होल कहलाता है बंग होल। जब हम उसमें से पानी निकालते हैं तो काफ़ी स्पीड से निकलता है। उसी प्रकार से इस बच्चे का जो डायरिया होता है वो निकलता है। ठीक, तो 2-3 हमने सिम्टम्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। थूजा पेशेंट लुक लाइक गणेश जी, थूजा लेफ्ट साइडेड ड्रग एंड थूजा स्पेशली सूटेड इफ डायरिया रिजल्ट ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, गशिंग वाटरी एंड इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट डायरिया लाइक वाटर कमिंग आउट ऑफ बंग होल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है। अब गोलू मोदू तो था, तो सभी लोग उसे टॉफियाँ खिलाया करते थे। टॉफी खाते खाते उसके जो दांत थे वो हो गए खराब। क्या हुआ? जो टीथ थी, टीथ पे जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, रूट वाले हिस्से पर तो सड़न हो गई, लेकिन ऊपर का टीथ जो था वो नॉर्मल दिखाई दे रहा था। ठीक, तो डेंटिस्ट के पास मिले गई उसकी माँ, डेंटिस्ट के पास मिले गई। उन्होंने क्या किया, जब डेंटिस्ट ने टेबल पर लेटाया और उसका मुँह खोला तो मुँह के अंदर से आ रही थी स्मेल, फाउल स्मेल आ रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी नोज के अंदर की मेम्ब्रेन, माउथ की मेम्ब्रेन और हमारे जो पूरा GIT की जो मेम्ब्रेन है उसे म्यूकस की बनी हुई होती है। ठीक, तो वहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा था जिसमें से स्मेल आ रही थी। डॉक्टर बोला, अरे बेटा क्या है ये, साफ सफाई क्यों नहीं रखते हो? ठीक है, तो अम्मा ने बोला, अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब, बताइए आप। और डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि ठंडे पानी के अंदर नमक मिला के इसे दीजिए, गरारे करवाइए इससे, ताकि इसका पूरे जो माउथ है वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हमने 3 सिम्टम और कवर कर लिए हैं। टीथ डिके एट दी रूट्स एंड क्राउन रिमेन्स साउंड। ओके, म्यूकोप्यूरुलेंट कॉपियस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दी बॉडी। ठीक, जब मुंह खोला था तो स्मेल आ रही थी काफी। एंड डिजायर फॉर सॉल्ट कोल्ड वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड फूड, तब ठंडे पानी में नमक मिला के दे दिया जाए तो वो सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब ये बात थी। अब क्या होता है कि अब बच्चा बड़ा होता है, शादी का समय आ जाता है। ठीक है, उसकी शादी होती है ना। शादी होने के बाद उसकी जो वाइफ होती है उसको वो ले जा रहा होता है रूम के अंदर। फर्स्ट नाइट थी, ठीक, तो वो उसने उसको रूम को डेकोरेट करवाया था हमारे सूजे ने। तो अब वो क्या करता है, वाइफ की आंखें बंद करता है और उसको ले जाना शुरू करता है। तो वाइफ बोलते, नहीं, आंखें बंद करके मत ले जाओ प्लीज़। बोला, क्या हुआ? बोले, मुझे चक्कर आते हैं। ठीक है, आंखें बंद करने पे मुझे चक्कर आते हैं, देयर इज वर्टिगो व्हेन क्लोजिंग दी आईज। ठीक, अब वो बोलता है चलो ठीक है। फिर उसका वो हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो देखता है आपके हाथ पर कांच जैसे रखे हुए हैं। बोला, हाँ मेरे हाथ पर तो कांच के बने हुए हैं। बोला, अरे आप तो बहुत कोमल, लाओ आपको मैं गोद में उठा के ले चलता हूँ। ठीक, तो वो क्या करता है कि वो इस डर से कि उसके कांच के बने हुए हाथ पैर टूट ना जाएं, वो अपनी वाइफ को गोद में उठा लेता है और बेड तक ले जाता है। ठीक दोस्तों, अब वहाँ पर लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कि लाइट बंद कर देता है वो। लाइट बंद करने के बाद है ना, उनमें प्यार होना शुरू होता है। अब उस वक्त उनमें प्यार नहीं हो पाता, क्यों? ड्यू टू सेंसिटिवनेस ऑफ दी वजाइना। ठीक, अब वो क्या होता है, अब यहाँ पे हमने 3 सिम्टम कवर कर लिए हैं, वो देख लेते हैं। देयर इज वर्टिगो व्हेन क्लोजिंग दी आईज, द बॉडी स्पेशली दी लिम्स एंड लिम्स आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड वुड, ब्रेक इजिली, पॉइजन प्रिवेंटेड बाई एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ दी वजाइना। ठीक दोस्तों, अब क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो दुखी हो जाती है और बेड पे बैठ जाती है। वो पति पूछता है उसे, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों ऐसे क्यों बैठ गए?
तो होता है, अरे दुखी दुखी बोलती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो क्यों, क्या हुआ? है ना, बोला मुझे एक बार गोनोरिया हुआ था, तो वो मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ले ली थी, वो सप्रेस्ड हो गया, इसकी वजह से मुझे इम्पोटेंसी है और साथ ही साथ में सेंसिटिवनेस ऑफ वजाइना की वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो वो काफ़ी दुखी होती है, और साथ ही साथ में जब वो गोनोरिया को सप्रेस किया उसके बाद मेरे पूरे शरीर पर काफ़ी जगह पर है ना सिस्ट गठाने बन गई हैं, और मेरे यूटरस में भी एक गठान बन गई है ना, इसकी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। तो फिर वो क्या करता है, पति लाइट चलाता है, लाइट चलाता है और देखता है तो उसके शरीर के ऊपर काफ़ी जगह वार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, कोंडाइलोमेटास है ना, ग्रोथ हो चुकी थी। तो पति भी थोड़े समय के लिए उदास हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने दो सिम्टम और कवर कर लिए हैं, सप्रेस्ड गोनोरिया कॉजिंग इम्पोटेंसी, र्यूमेटिज्म, कोंडाइलोमेटा ट्यूमर एंड सिस्ट एक्सेट्रा। देन फिक वार्ट कोंडाइलोमेटा वार्ट लाइक एक्सक्रीशन अपॉन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड क्यूटेनियस सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब वो दुखी बैठी होती है तो उसका पति समझता है कि उसने कितना झेला होगा, ठीक है, कितना एम्बेरस फील किया होगा जिंदगी भर। तो वो कहता है चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस प्रकार मरकरी के लिए सिफिलिस है और सल्फर के लिए सोरा है, वैसे ही मैं थूजा, तुम साइकोसिस सिर्फ मेरे लिए हो। ठीक, इतना कह के वो दोनों जो होते हैं वो लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तो उठता है पति, वो देखता है कि उसके पूरे शरीर के ऊपर कुछ ओढ़ा उन्होंने होता नहीं, पूरे शरीर के ऊपर क्या होता है कि पसीना आ रहा होता है काफ़ी, ठीक है, पूरे शरीर पर पसीना आ रहा होता है सिर्फ सिर को छोड़ के। उसे जगाता है, वो क्या हुआ तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो उठती है, और उठते से ही क्या होता है कि वो पसीना होता है वो गायब हो जाता है, मतलब रुक जाता है। फिर कहाँ है पसीना, कहाँ आ रहा है, कोई पसीना नहीं आ रहा मुझे। तो पसीना जो होता है वो रुक जाता है, फिर से वो दोनों सो जाते हैं और आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उन्हें थूजा ऑक्सीडेंटलिस्ट मेडिसिन दे दी और वो बिल्कुल सही हो गए, और आज उनके बच्चे घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली मेडिसिन के साथ में।